कल शाम को दिनांक 22/4/2023 को सूचना आई थी कि ग्राम कैथवलिया थाना खिसरा में एक लड़की की डेड बॉडी राप्ती नदी में मिली है। उसमें तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को देखते ही स्पष्ट हो गया था कि ये केस हत्या का है। इसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया हत्या के अनावरण के लिए। इसमें थाना खिसरा SOGO सरनास टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतिका है उसका पिता स्वयं राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम और इनका मित्र लहरी जो उसी ग्राम कैथोलिया के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो राधेश्याम की बेटी थी ये अपने गांव में ही एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी के साथ रहना और शादी करना चाहती थी। पूर्व में भी एक दो बार ये उस लड़के के साथ चली गई थी, बातचीत करके समझौता करके वापस आ गई। इसीलिए इन्होंने आज से लगभग 4-5 महीने पहले जो राधेश्याम की मौसी है इसको वहाँ भेज दिया था जो गोरखपुर में टेम्पियरगंज थाने में रहती है। और वहाँ पे भी इनको पता चला कि अभी भी उस लड़के से संपर्क में है, तो इन्होंने प्लान सोचा कि एक बार इसे समझाया जाए। तो इस 21 तारीख को इसका पिता इसको गोरखपुर से लेके आया और यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है मधुआपुर ग्राम में, जहाँ पे इसका दादा काम करते थे, वहाँ पे इन तीनों ने लड़की को समझाने का बहुत प्रयास किया कि ये अपने ही समाज में किसी से शादी कर ले। और जब उनको क्लियर हो गया कि बिल्कुल नहीं मानेगी और उसी लड़के के साथ ही रहना चाहती है, तीनों इन्होंने मिलकर चाकू से इसकी हत्या कर दी और फिर इसकी शव को रस्सी से बांधकर बोरी में डालकर इसे राप्ती नदी में फेंक दिया था। टीम ने घटना का अनावरण करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो भी बरामद किया गया है।